Hey guys, welcome to the academy and welcome to this mega legal reasoning quiz for MHCET and other law entrance tests. How are you guys doing? Kaise ho aap sab log? Welcome to the class, guys, and a very warm welcome to this very special class from an academy. How are you guys doing? Kaise ho aap sab log? And were you there in the 1 p.m. legal reasoning quiz? Kya aap 1 baje wale legal reasoning quiz mein aaye the, dosto? Acha, nahi aaye the? Kuch log aaye the? ठीक है, कोई बात नहीं. तो जितने लोग आए थे, आई होप यू हैड अ ग्रेट टाइम लर्निंग अबाउट लीगल रीजनिंग के कॉन्सेप्ट्स. अब वापस से शुरुआत करेंगे उन्हीं कॉन्सेप्ट्स की और स्टार्ट करते हैं उन क्वेश्चंस को. ठीक है, आर यू गाइस रेडी फॉर दोस क्वेश्चंस? यस, ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट. स्टार्ट करेंगे गाइस, एक मिनट में. ऑलराइट, तो सबसे पहले तो लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द क्लैट टॉपर्स. तो जिन लोगों ने क्लैट में टॉप किया है वो यहाँ पर है. आई एम श्योर आप सारे लोग भी अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट में टॉप करने को तैयार हो. साथ ही में प्राइस हाइक आ रहा है लॉ एग्जाम्स के लिए जल्दी, तो आप दिव्य कुमार गर्ग कोड यूज कर सकते हो और दिव्य कुमार गर्ग कोड यूज करने पर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और साथ ही में आप इस प्राइस हाइक से भी बच जाओगे बिफोर इट कम्स, है ना. तो अगर आप में से कोई भी अगर प्लान कर रहा है अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेने का, तो दिव्य कुमार गर्ग कोड आप यूज कर सकते हो. साथ ही में अनअकैडमी क्लैट 2023 लर्नर्स बहुत सारे हैं जिन्होंने वो मेड इट टू द टॉप एनएलयूज, और यहाँ पर टारगेट एनएलयू बैच है व्हिच इज अ कॉम्प्रिहेंसिव बैच फॉर क्लैट एंड आईएलटीएस 2024 स्टूडेंट्स. तो इसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ये बैच कल से शुरू हो रहा है. तो अगर आप में से कोई भी क्लैट की स्ट्रक्चर तैयारी करना चाहता है ना, तो इस बैच से आप कर सकते हो, है ना. ओके, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट स्टूडेंट ऑफ माइन हैज कम टू द क्लास टुडे. फरिया उसका नाम है. फरिया इज ऑलरेडी इन हर सेकेंड ईयर, है ना. And she has completed her first year of law school already, and she has joined us today live in this class. So thanks a lot, Pariya, for joining us. I'm very happy. And zati mein guys, MHCET, LSAT aur SLAT ke liye free batch chal raha hai, absolutely free hai. Unacademy YouTube par ye chal raha hai, jisme Keshav sir, Agni sir, main, Pooja ma'am aur Ayushi ma'am, hum sab log mil karke aapko padha rahe hain. ठीक है, चलिए अब शुरू करेंगे क्लास को और शुरुआत करेंगे उस क्वेश्चन से जहां पे हमने क्लास को छोड़ा था. यस, here we go. Yes, here we go. Here is the question for all of you. चलिए देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाएंगे इसको.
ज्योत्सना श्री इशरत श्रेया सिद्धार्थ सोहम जयशी अभय मोहम्मद एंड सारा. वेरी वेल डन, वेरी गुड. ओके, प्रिंसिपल क्या बोलता है? प्रिंसिपल बोलता है ओरल एविडेंस मस्ट ऑलवेज बी डायरेक्ट, दैट इज ऑफ द पर्सन हु सेज ही सॉ द इवेंट एंड हियर्स एविडेंस इज नो एविडेंस. क्लियर है? क्या बोल रहा है कि अगर आप कहीं पर ओरल एविडेंस दे रहे हो, ओरल एविडेंस का मतलब क्या होता है कि आप किसी बात को सुनने का एविडेंस दे रहे हो, तो आपको क्या करना होगा, सिर्फ उसी बात का एविडेंस दे सकते हो जो आपने देखा हो. ठीक है, अगर आपने किसी से सुना है तो फिर वो एविडेंस को माना नहीं जाएगा, तो वो डायरेक्ट होना चाहिए. ठीक है, तो अगर आपको ये बोलना है कि दिव्य की क्लास अच्छी होती है ना, तो आप ये तभी बोल सकते हो जब आप दिव्य की क्लास में आए. अगर आपने किसी और से सुना है कि यार दिव्य की क्लास अच्छी होती है और आपको उस पर पूरा भरोसा है, तो वो डायरेक्ट नहीं कहलाएगा और वो हम कोर्ट में नहीं अलाउ करेंगे. ठीक है, अब एक्स को वाई ने बोला, जिसको एक्स को वाई पे पूरा भरोसा है कि जेड ने ए का मर्डर किया हुआ है. ठीक है, अब यहाँ पर हमको ये दिखाना है कि ये एडमिसिबल है या नहीं है. तो ऑब्वियसली क्योंकि एक्स ने तो जेड को मर्डर करते हुए नहीं देखा. क्या एक्स ने देखा है जेड को मर्डर करते हुए? तो आंसर है क्लियरली नहीं देखा. एंड बिकॉज एक्स ने जेड को मर्डर करते हुए नहीं देखा है, तो उसका जो स्टेटमेंट होगा वो एडमिसिबल नहीं होगा, बिकॉज ही हैज नॉट सीन एक्स किल जेड. अब ऐसे तो आपको अपने दोस्त जिन पे आप भरोसा करते हो, उन्होंने भी कई बार बेवकूफ बनाया होगा ना. यार याद करो, आपके दोस्तों ने आपसे किस किस तरह की बातें की. बहुत गिरे हुए दोस्त होते हैं यार, कुछ भी कह देते. ठीक है, मुझे बचपन में मेरे एक दोस्त ने बेवकूफ बना दिया था कि अगर गर्म पानी में हम पेंसिल को शार्प कर दें तो उससे जो कचरा निकलता है, अगर उसको गर्म पानी में रख देंगे तो उससे रबर बनेगा. मैंने 2 दिन तक रखा था यार, कुछ भी नहीं हुआ. तो और मैं अभी भी उस दोस्त पे भरोसा करता हूँ, इवन दोस्त ने मेरे को बचपन में इतना बुरा बेवकूफ बनाया. ठीक है, तो बोला था उसने मुझे. अब यार ये सब चीजें कोर्ट में नहीं चलती है ना, कोर्ट में बिल्कुल भी ये सारी चीजें नहीं चलती है. और यहां पर क्या होगा, यहां पर सिर्फ डायरेक्ट एविडेंस को एडमिसिबल माना जाएगा. क्या ये क्लियर हो गया है? एग्जैक्टली. श्री बोल रही है उसने कलेक्ट करा था, है ना. डोरेमन बोल रहा है उसने भी ट्राई किया था. वेरी नाइस. ओके, डोरेमोन बोल रही है हाय अरविंद, हाय अभिषेक. यस, ओके, अब यहां पर क्या होगा, टर्म्स ऑफ एनी रिटन कॉन्ट्रैक्ट कैन बी प्रूव बाय प्रोड्यूसिंग द रिटन कॉन्ट्रैक्ट ओनली एंड ओरल एविडेंस इज एक्सक्लूडेड. ए गिव्स बी रिसीट फॉर मनी पेड बाय बी, ओरल एविडेंस इज ऑफर्ड टू प्रूव पेमेंट. अब देखो यार, ये क्वेश्चन का आंसर ए ऑफिशियल आंसर था,
है, लेकिन अगर ये अगर हम देखें ना कि क्या ये आंसर सॉल्व हो सकता है, ये सॉल्व नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि हमको ओरल एविडेंस क्यों दिया गया है, पेमेंट प्रूव करने के लिए। क्या पेमेंट टर्म है रिटर्न कॉन्टेक्ट का? टर्म नहीं है, है ना? पेमेंट क्या है? एक्शन है। तो अब इसमें हमको अंतर समझना पड़ेगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टर्म एंड एक्शन। देखो टर्म तो ये हो गया कि मैं आपको इतना पेमेंट इतनी तारीख को दूंगा, दैट आई विल गिव यू 1000 रुपीज ऑन 8 फेब। तो ये तो हो गया टर्म ऑफ द रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? टर्म समझ में आया आपको? यस। एक्शन क्या हो गया कि आई पेड यू 1000 रुपीज ऑन 8th of Feb, तो ये एक्शन हो गया। अब हम इसके लिए तो ओरल एविडेंस नहीं दे सकते, है ना? हमको इतनी इंफॉर्मेशन दी थी, आंसर उन्होंने क्या दे दिया कि ओरल एविडेंस टू प्रूव पेमेंट इज अलाउड। तो दिस इज, मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ कि अगर एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन हो जाए, बिकॉज कई बार MHCET में क्लैट के क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हुए, तो आपको ओरल एविडेंस टू प्रूव पेमेंट इज अलाउड ये लिखना होगा, ठीक है? हाउएवर इसको हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि उन्होंने बोला टर्म्स के लिए ओरल एविडेंस अलाउड नहीं है, एक्शन के लिए अलाउड है या नहीं है ये हमको नहीं बताया, फैक्ट्स के लिए इस पे साइलेंट था क्वेश्चन। तो आया समझ में? भैया एक बार फिर से। ओके भैया, क्वेश्चन ही नहीं समझ रहा है, क्वेश्चन समझ नहीं आया, ठीक है, क्या बोल रहा है? ओके देखो यहाँ पर क्या हुआ, जानवी और प्रीतम का एग्जांपल लेते हैं। जानवी और प्रीतम ने आपस में एक एग्रीमेंट करा, जिसमें जानवी ने बोला है प्रीतम को कि प्रीतम मैं तुम्हें क्लैट का GK पढ़ाऊंगी। प्रीतम ने बोला ठीक है यार, पढ़ा देना जानवी, है ना? और प्रीतम ने बोला है कि मैं तुम्हें इसके बदले 10,000 रुपए दूंगा, ठीक है? क्लियर हो गया ये कॉन्ट्रैक्ट? और ये इन्होंने लिख लिया था, एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया था, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट हो गया था। तो दिस बिकेम अ रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट यहां पर बना लिया गया है। अब क्या हो रहा है उसके आगे समझना बड़ा इंटरेस्टिंग है, कि कोर्ट में प्रीतम का कहना है कि उसने 10,000 रुपए की बात नहीं करती, 1,000 रुपए की बात कही थी, ठीक है? जानवी का कहना है कि उसने पूरे GK की बात नहीं करी थी, उसने सिर्फ जनवरी के GK की बात करी थी। दोनों अलग अलग बात कह रहे हैं ना? अब क्योंकि यहां पर दोनों अलग अलग बात कह रहे हैं, तो ये क्या बोल रहा है, क्योंकि ये रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट था, तो इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट ओनली। तो आपको क्या करना होगा, इनका रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट दिखा दो, जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया होगा वो दिखा दो, जिसपे दोनों पार्टी की साइन होगी। तो उससे क्लियर हो जाएगा कि किसने क्या बोला था, किसने क्या नहीं बोला था, है ना? अब इसमें उन्होंने बोला है कि ओरल एविडेंस एक्सक्लूडेड है। ओरल एविडेंस कैसे? कि मान लो इनके कॉन्टेक्ट के वक्त हमने क्या करा था, अंकित को विटनेस रखा था कि अंकित तू देख ले यार ये बात हो रही है। अब हम यहाँ पे ये नहीं कर सकते कि अंकित को एज अ विटनेस बुला लिया और बोला अंकित सुनो ये क्या सही बोल रहे दोनों। अंकित ने बोला हाँ हाँ मैंने देखा था, ये 1,000 रुपए की बात हुई थी और पूरा जनवरी की बात नहीं हुई थी, पूरे GK की बात हुई थी। तो ये तो क्या हो गया, अंकित का ओरल एविडेंस हो गया। तो उन्होंने बोला कि ओरल एविडेंस हम अलाउ नहीं करेंगे। आ गया समझ में? तो यहाँ पे टर्म्स को लेकर के बात बताई गई है। क्लियर हुआ? यस और नो? ठीक है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो किसको लेकर के है, ए गिफ्ट बी रिसीट फॉर मनी पेड बाय बी, ओरल एविडेंस इज ऑफर्ड टू प्रूव पेमेंट। यहां पर बात आ गई है पेमेंट को लेकर के, टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे थोड़ी बात हो रही है कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या कहा गया था। हम इस पे बात कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हुआ या नहीं, कॉन्ट्रैक्ट पे एक्शन लिया गया या नहीं, जिसके बारे में क्वेश्चन साइलेंट है। आया समझ में आप? यस ऑलराइट। कुछ डाउट हो तो आई एम गिविंग यू 30 seconds अगेन। दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन पलक।
ओके डोरेमोन, नो इश्यूज, नो डाउट। और आगे बढ़ते हैं। ये वाला देखते हैं। हाय रोहित, इशरत सोमेदीप, वेरी वेल डन, श्री ज्योत्सना, अभय, सारा, नम्रता, सिंघानिया, कशिश एंड नैन्सी। ऑल राइट, चल ये देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द इंश्योरर एग्रीज टू पे नो मोर देन द एक्चुअल अमाउंट ऑफ द लॉस। इंश्योरर कभी भी क्या एग्री करता है कि मैं जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ द लॉस है उससे ज्यादा आपको पे नहीं करूंगा। मैं आपको कितना पे करूंगा, जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस है उतना ही पे करूंगा, उससे ज्यादा पे नहीं करने वाला। आ गया समझ में? यस। अब फैक्ट सिचुएशन क्या बोल रही है। सनी इंश्योर्स हिज कार वर्थ ₹5 लाख विद एक्स एन इंश्योरेंस कंपनी फॉर इट्स वैल्यू। ही अगेन इंश्योर्स द सेम कार विद वाई अनदर इंश्योरेंस कंपनी ऑन द सेम टर्म्स। देयर इज एन एक्सीडेंट एंड द कार सफर्स अ टोटल लॉस। एनी सेपरेट सूट्स अगेंस्ट एक्स एंड वाई। इफ सनी रिकवर्स ₹5 लाख फ्रॉम एक्स, हाउ मच कैन ही रिकवर फ्रॉम वाई? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द अप्रोप्रिएट इन रिलेशन टू द लीगल प्रिंसिपल स्टेटेड अबव। देखो, जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो उसको लॉस कितना हुआ, 5 लाख का। फिर उसने एक्स से जब पैसा रिकवर कर लिया तो उसने 5 लाख रिकवर कर लिया, तो अब उसका लॉस कितना है, लॉस हो गया उसका 0। तो अब क्या वो वाई से रिकवर कर सकता है? तो वो वाई से रिकवर नहीं कर सकता। तो सनी कैन नॉट रिकवर एनी अमाउंट फ्रॉम वाई। अंडरस्टूड? यस, ओके। किसी और ऑप्शन में डाउट है? किसी और ऑप्शन में डाउट है क्या गाइस? डी में सनी कैन नॉट इंश्योर हिज कार विद बोथ एक्स एंड वाई एट द सेम टाइम। ऐसा हमको नहीं बोला है ऊपर कि आप एक्स एंड वाई के साथ सेम समय पे इंश्योर नहीं करवा सकते। दिस इज समथिंग दैट वी हैव नॉट बीन गिवन। ओके यस, सी सनी मस्ट पे वाई द ₹5 लाख ही रिसीव फ्रॉम एक्स। ये क्या उल्टी बात हो गई है? तो कि एक्स से जो पेमेंट आया वो वाई को दे दो, और फिर क्या करो, वाई से पैसे ले लो 5 लाख वापस। तो इससे क्या होगा, ये तो हमने उसको 5 लाख दिए और खुद को 5 लाख वापस कर दिए। वुड इट रियली मीन एनीथिंग? इट वुडंट मीन एनीथिंग। नो गौरव, आया समझ में व्हाट इज द प्रॉब्लम?
ओके यस चलो वेरी 100% एक्सपेक्टेशन है इसमें तो। ओके इशरत से लेकर के इशरत सोमिदी वेरी वेल डन, ज्योत्सना अभय श्री सारा नम्रता सिंघानिया कशिश एन एनसी वेरी वेल डन वेरी गुड ओके। लीगल प्रिंसिपल क्या कहता है? लीगल प्रिंसिपल बोलता है व्हेन देयर इज एन इंफ्रिंजमेंट ऑफ द लीगल राइट ऑफ अ पर्सन ही गेट्स अ राइट टू सू द रॉन्ग डूअर फॉर रेमेडी इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी एक्चुअल लॉस कॉस्ट। ठीक है तो यहां पर क्या हो रहा है कि अगर आपको लीगल राइट आपका वॉयलेट हुआ है तो आपके पास लॉस हुआ हो या ना हुआ हो आप उसको सू कर सकते हो। सिंपल सा क्वेश्चन है ना। अब सरोज मैडम हमारी गई है इलेक्शन में वोट करने। अब जब वो सरोज इलेक्शन में वोट करने जाती है तो जिसको उसको वोट करना था ना वो चुनाव जीत जाता है, बट उसको वोट दिया देने नहीं दिया जाता है। तब यहाँ पर क्या होगा, सरोज का लीगल राइट वॉयलेट हुआ है क्या? बिल्कुल हुआ। इंजूरियस साइन डन नो, ये तो मतलब याद होना चाहिए किसी भी लॉयर को, किसी भी लॉ एस्पिरेंट को, ये नहीं भूलना है। तो सरोज का लीगल राइट हैज बीन वायलेटेड एंड शी कैन सू फॉर द पर्सन हु प्रिवेंटेड हर फ्रॉम वोटिंग। ठीक है, इसमें तो किसी भी तरह का डाउट किसी को भी नहीं होना चाहिए। ऑलराइट अंडरस्टूड? यस ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। All right, guys, just give me a moment.
सौमिलिप इशरत अभय ज्योत्सना सिंघानिया सारा नैन्सी मुस्कान श्री एंड श्रेय. वेरी नाइस है ना. शोर मत करो. लीगल प्रिंसिपल क्या बोलता है, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल था कि एक प्रोडक्ट को किसी भी शॉप में सेल नहीं किया जा सकता आफ्टर इट डेट ऑफ एक्सपायरी. अब लता शॉपिंग करने गई, वहां पे उसने देखा कि मिल्क पैकेट किसी शेल्फ पे रखे थे और वो उस दिन एक्सपायर होने वाले थे. तो मतलब 8 फरवरी को वो शॉप करने गई और 8 फरवरी उसकी बेस्ट बिफोर डेट है. अब वो शॉपकीपर बोलती है, क्या कर रहे हो भैया, मैं कल के लिए दूध लेने आई थी, आज आप बेच रहे हो, वो कल खराब हो जाएंगे, ये क्या बात होती है यार, ये हटाओ आप, ये लॉक है अगेंस्ट है. बोलता है लता, तू लता है, लॉयर नहीं है ना, ये कोई बात होती है, इज इट रियली मेकिंग सेंस, है ना. तो वो लता सही है क्या, लता बिल्कुल सही नहीं है यार, आज आप बेच सकते हो ना, आज उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी है, कल नहीं बेच सकते. लता इज राइट एंड द शॉपकीपर शुड टेक द मिल्क पैकेट ऑफ हिज सेल्फ. नो ही इज नॉट, शी इज नॉट राइट. ये लता क्या कर रही है यार, है ना, लता ये तुम्हारी खता है. सी द शॉपकीपर मस्ट रिमूव द मिल्क पैकेट फ्रॉम द शेल्फ एंड कीप इट रेफ्रिजरेटेड. ये अलग बात कर रही है, रेफ्रिजरेटर में रख दो यार, अच्छी बात है, रेफ्रिजरेटर में रख दो उसकी शेल्फ, ठंड का मौसम है यार, नहीं खराब हो रहे बाहर. डी मिल्क इज नॉट अ प्रोडक्ट एंड हेंस द प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल इन दिस केस. तो मिल्क अगर प्रोडक्ट नहीं तो क्या है, सर्विस है. नहीं मुझे बताओ, ये डी ऑप्शन जिन्होंने लगाया वो बताओ, ये डी भी हमारी क्लास में आ गई, खुशी डी वेलकम. व्हाट इज मिल्क इफ इट्स नॉट अ प्रोडक्ट, है ना. मिल्क इज अ स्टेट ऑफ माइंड, सोच है मिल्क नहीं है, ना प्रोडक्ट है. द शॉपकीपर शुड नॉट सेल द मिल्क पैकेट्स आफ्टर द डेट ऑफ एक्सपायरी इज ओवर. दैट्स करेक्ट, कि एक्सपायरी डेट पूरी हो जाए तब आप मत बेचना, अभी तो आप बेच सकते. सोमिदित इशरत ज्योत्सना सारा अभय नैन्सी श्री सिंघानिया सोहम एंड श्रेया. वेरी वेल डन. लीगल प्रिंसिपल क्या बोलता है, एग्रीमेंट्स इन रीस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड आर वॉइड एंड अनएनफोर्सिएबल. फैक्ट सिचुएशन क्या बोलती है, मनु हैज बिन वर्किंग एज अ ब्लैक स्मिथ इन हिज विलेज फॉर मेनी डेकेड्स. सोमू हैज बिन अंडरगोइंग ट्रेनिंग विद हिम फॉर द पास्ट 3 ईयर्स. आफ्टर हिज ट्रेनिंग इज ओवर सोमू एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट विद मनु दैट ही विल नॉट स्टार्ट अ कॉम्पिटिंग बिजनेस इन द सेम विलेज where while Manu is alive. Which of the following statement is the most appropriate in relation to the legal principle stated above? देखो, this is in restraint of trade. अगर आप किसी को भी trade करने से रोकते हो, तो फिर वो तो गलत है ना? तो the agreement is void and unenforceable since it is in restraint of trade. ये तो simple था. किसी option में आपको doubt है इसमें? Yes, कशिश इससे थोड़े से और नीचे ही आएंगे question, है ना? इसमें तो फिर भी मैंने कुछ कुछ बीच बीच में क्लैट के question निकाल दिए, वरना एमएससीईटी के इससे सरल होते हैं क्वेश्चन.
ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो इजी क्वेश्चन अगेन। इशरत, ज्योत्सना, सारा, अभय, नैन्सी, सौम्यदीप, श्री, सोहम, श्रेया एंड नम्रता। वेरी वेल डन। एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर पार्टनरशिप का ये होता है कि उसमें म्यूचुअल एजेंसी होती है, यानी कि हर पार्टनर अपने एक दूसरे का एजेंट होता है और अपने काम से किसी और को बाइंड कर सकता है विद इन द बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप। फैक्ट सिचुएशन क्या बोलती है कि राम और श्याम एक पार्टनर है RNS ट्रेडिंग कंपनी के, जो कि राइस की वैरायटीज में ट्रेड करती है। राम एग्री करता है परचेजिंग 10 टन्स ऑफ राइस फ्रॉम गोविंद। राम राइस डिलीवर होने के बाद लेकिन पेमेंट के पहले मर जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या श्याम को वो पेमेंट देना पड़ेगा? तो बिल्कुल श्याम को वो पेमेंट देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि श्याम और राम पार्टनर थे, है ना। इनफैक्ट राम और श्याम पार्टनर थे। अगर राम एंड श्याम पार्टनर थे तो श्याम और राम भी पार्टनर थे। मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन दोनों आपस में पार्टनर थे। क्यों? क्योंकि अब राम नहीं रहे, है ना। और अब ऐसे केस में क्या होगा? बीइंग पार्टनर्स, राम्स एग्रीमेंट टू परचेज राइस फॉर देयर पार्टनरशिप इज बाइंडिंग ऑन श्याम, है ना। क्लियर हो गया या कंफ्यूज हो गया राम एंड श्याम में? हाय प्रज्ञान, वेलकम टू द क्लास। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। किसी को कोई डाउट है किसी और ऑप्शन में? हु इज एन ऑम्बड्समैन? यार ये वाला बहुत कम लोगों को आता था क्या? ऑल राइट, बोल बिल्कुल सही था। इशरत, ज्योत्सना, सारा, हरसिद्धि, अभय, नैन्सी, सौम्यदीप, श्री, सोहम एंड श्रेया। वेरी नाइस।
हाँ, ये क्वेश्चन मिसलेनियस लॉ में से है, बिल्कुल सही है राम। ठीक है, ऑम्बड्समैन क्यों होता है? देखो, ऑम्बड्समैन बेसिकली वो इंसान होता है जो एक डिपार्टमेंट में होता है, एक सेक्टर में होता है, जिसके पास आप जाकर के कंप्लेंट कर सकते हो अगर आपको लगता है कि आपकी जो है वॉयलेट हुए हैं राइट्स। ठीक है, जनरली क्या होता है कि अगर आपका मान लो किसी का ऑनलाइन पेमेंट खराब हो गया है ना, ऑनलाइन पेमेंट आपने किसी को करा था, आपके अकाउंट से पैसे कट गए, लेकिन सामने वाले के अकाउंट में क्रेडिट ही नहीं हुआ, तो आप किसके पास जाओगे? आप आरबीआई के बैंकिंग ऑम्बड्समैन के पास जाओगे। तो आरबीआई ने एक बैंकिंग ऑम्बड्समैन बना करके रखा है। इस तरह से अलग अलग सेक्टर ने अपने ऑम्बड्समैन बना के रखे हैं, हु आर ज्यूडिशियल ऑफिसर। ठीक है, क्या वो इलेक्टेड होते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या वो पुलिस ऑफिसर होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। एन ऑफिशियल हु इज चार्ज विद रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक? नहीं। तो इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक वे रिप्रेजेंट नहीं करते, दे आर एडजुडिकेटरी बॉडी। एडजुडिकेटरी बॉडी कौन होता है? जो कंप्लेन को सुनती है, दोनों तरफ को सुनती है और फिर उस पर अपना डिसीजन देती है। अंडरस्टूड? ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच अथॉरिटी इन इंडिया इज नोटिफाइड द गाइडलाइन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पर्सन असिस्टिंग एक्सीडेंट विक्टिम ऑन इंडियन रोड बेस्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन? चलो, तो ये तो थोड़ा लॉजिकल सा क्वेश्चन है, सब लोग आंसर करेंगे। ओके, विच अथॉरिटी इन इंडिया नोटिफाइड द गाइडलाइन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पर्सन असिस्टिंग एक्सीडेंट विक्टिम ऑन द इंडियन रोड बेस्ड ऑन सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन? इट इज द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसने रिसेंटली बताया था कि किस तरह से जो एक्सीडेंट विक्टिम है उसको असिस्ट करने के लिए हम किस तरह से काम करेंगे। क्या आपको किसी को भी पता है? इसको हम बोलते हैं गुड समारिटन गाइडलाइंस। ठीक है, तो गुड समारिटन गाइडलाइंस यहाँ पर अभी आई है। एग्जामिन द स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन गिवन बिलो एंड चूज अ सूटेबल आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। देखते कितने लोग कर पाएंगे। दिस इज अ न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन।
हर्षित कॉन्ट्रैक्ट का क्रिमिनल की क्लासेस होंगे। इशरत, ज्योत्सना, सारा, अभय, नेंसी, श्री, सोहम, श्रेया, अक्षिता एंड हर्षित दी। वेरी वेल डन, वेरी गुड। एग्जामिन द स्टेटमेंट कंक्लूजन गिवन बिलो एंड चूज अ सुटेबल आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। स्टेटमेंट बोल रहा है इट इज अ फंडामेंटल ड्यूटी व्हिच इज अनएनफोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ दैट एवरी सिटीजन शैल रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ द विमेन। कि विमेन डिग्निटी के खिलाफ अगर कोई भी बात है तो उसको हम अलाउ नहीं होने देंगे। ठीक है, कंक्लूजन क्या आ रहा है? रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन एम्प्लॉयमेंट इज वायलेटिव ऑफ द प्रिंसिपल स्टेटेड। ये बिल्कुल भी वायलेटिव नहीं होगा। एंड आस्किंग अ लेडी इन अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस अबाउट हर पर्सनल लाइफ इज वायलेटिव ऑफ द प्रिंसिपल स्टेटेड, दैट इज डेफिनेटली वायलेटिव, है ना? क्योंकि आप क्या कर रहे हो कि डिग्निटी के खिलाफ बात कर रहे हो, और डिग्निटी के खिलाफ क्या होगा कि अगर उसके बारे में आपने इन अप्रोप्रिएट क्वेश्चन पूछे तो दैट विल डेफिनेटली वायलेट अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो ओनली कंक्लूजन टू फॉलो। प्रिंसिपल क्या कह रहा है? प्रिंसिपल ये बोल रहा है कि अगर आप किसी भी वुमेन की डिग्निटी के खिलाफ काम करते हो तो उसको आपको छोड़ देना चाहिए। दैट इज समथिंग दैट यू शुड अवॉइड। ऑलराइट, अंडरस्टूड पलक? चलिए गाइस, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास, उसके बाद हम, अच्छा गाइस बाय द वे आई वांट टू अनाउंस वन इंपॉर्टेंट थिंग कि आज 5:30 बजे से हमारा एक फ्रेश कोर्स कॉन्ट्रैक्ट लॉ पे शुरू हो रहा है। तो अगर आप में से किसी को भी कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ना है बिल्कुल स्क्रैच से तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। 5:30 से हो रहा है, हफ्ते में 2 दिन क्लासेस होगी, 5:30 से 6:30। बहुत मजा आने वाला है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी होंगे और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी एन अल्टीमेट बैच वेयर यू विल एंजॉय अ लॉट, है ना? बहुत आपको मजा आएगा कोर्सेज करने में। और फिर हर क्वेश्चन, हर क्लास के बाद हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, तो दिस इज गोइंग टू बी एन एडेड एडवांटेज। तो आप डेफिनेटली इस कोर्स को कर सकते हो रिगार्डलेस ऑफ विच एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। ओके, 5:30 बजे से होगा। इसका लिंक भी आपको टेलीग्राम पे आ जाएगा, आपको पता है टेलीग्राम चैनल पर कैसे आना है। हाँ जी, वेंसडे और थर्सडे को होगी। ज्योत्सना, इशरत, श्री, श्रेया, सत्यम, सारा, अभय, हर्षित, नैन्सी एंड सौमिति। वेरी वेल डन गाइस, वेरी गुड। तो एग्जामिन द स्टेटमेंट कंक्लूजन गिवन बिलो एंड चूज अ सुटेबल आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। स्टेटमेंट बोल रहा है कि अ पनिशमेंट इज द इम्पोजिशन ऑफ एन अनडिजायरेबल और अनप्लेजेंट आउटकम अपॉन अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मेटेड आउट बाय एन अथॉरिटी। तो अगर पनिशमेंट इम्पोजिशन है अनडिजायरेबल और अनप्लेजेंट आउटकम का, तो ये दोनों चीजें उसकी आ रही है ना। आई फॉर एन आई एंड टूथ फॉर अ टूथ इज एन एग्जांपल ऑफ पनिशमेंट, इट डेफिनेटली इज, नहीं ये पनिशमेंट का एग्जांपल है। इम्पोजिशन ऑफ फाइन ऑन समवन हु इन्फ्लिक्टेड बॉडली इंजरी ऑन अनदर इज आल्सो जस्टिफाइड बाय दिस स्टेटमेंट। ये भी इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करता है। ठीक है, तो बहुत कंफ्यूजन वन इन टू फॉलो। हमको लेजिटिमेसी ऑफ द पनिशमेंट पे बात नहीं करनी थी कि क्या पनिशमेंट सही होगी क्या सही नहीं होगी, हमको ये बात करनी थी कि क्या ये सही पनिशमेंट आप लोगों को दिख रही है। ऑलराइट गाइस, चलिए तो इसी के साथ विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द क्लास। लेट्स ऑल एट इट, है ना, बिकॉज दिस इज अ क्लास फॉर other law industries. And again, let's crack it. अब हम मिलेंगे 5:30 बजे for the constitutional law class. Alright guys, अगर आप लोगों की कोई doubt हो तो please put them in the question type. I'll be here. Answer your doubt. Otherwise, we'll meet again very soon. बहुत जल्दी हम मिलते हैं. Yes, पलक का doubt है. Analytical reasoning का, यार analytical reasoning में नहीं पढ़ाता हूँ तो उसका quiz analytical वाले करेंगे.
ऑल राइट गाइस, आई विल बी बैक. अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे बता सकते हो. खुशी, टेलीग्राम का लिंक ऊपर, टेलीग्राम पर आप अपना नाम सर्च कर लो, जय कुमार गर्ग, एंड यू विल बी एबल टू गेट द टेलीग्राम लिंक. नहीं, दिव्य कुमार का सर्च करो ना टेलीग्राम पे, यू विल फाइंड द करेक्ट ग्रुप. आई बिलीव यू मे बी ऑन द इनकरेक्ट ग्रुप.